हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह मेरे घर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे। कुछ 9-10 बजे आज मेरा काम ख़त्म हो गया था घर का। और ये भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने सुबह ही ख़त्म कर दी। मैं बेटी को छोड़ के आई थी और उसके बाद जो है मुझे कोल्ड वगैरह हो रखा है, फीवर। तो मैंने सोचा मैं अपना काम करके फिर रेस्ट करूँगी थोड़ी सी। अगर मैं बैठ गई फिर रह जाएगा और ऐसा है, ये काम मैं नहीं करूँगी, कौन करेगा। घर एक भी दिन गंदा नहीं रख सकती हूँ, छोटे बच्चों वाला घर है तो डेली झाड़ू पोछा लगता है। फिर अगर मैं लेट जाऊँगी तो रह जाएगा। और मुझे बहुत कोल्ड हो रखा है, ठंड लग गई है और थोड़ा फीवर भी, और बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। कोल्ड जो से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि उससे हेडेक भी होता है, सिर दर्द भी। तो इस वजह से मैं अपने काम है वो ख़त्म कर रही हूँ। बेटा मेरा भी खेल रहा था बाहर, वो जब सोकर उठता है वो अपना ऐसे साइकिल वगैरह चलाता है, बाहर खेलता है। इसको मैंने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था और ये अपना खेल रहा था। और अंत में झाड़ू पोछा लगाई थी, मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, बस बाहर का रह गया है। ये अब मैं फटाफट से कर दूँगी, आंगन का सारा झाड़ू लग जाएगा बाहर का, फिर उसके बाद सिर्फ पोछा रह जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि धूप भी नहीं आती, मेरे ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। ठंड थी बाहर बहुत, क्योंकि सुबह धूप नहीं निकली थी तो, और यहाँ पर धूप अंदर आती भी नहीं है, 12-1 बजे बाहर आती है धूप और जब निकलती है अंदर बिल्कुल भी नहीं आती है। तो बस इस वजह से तो मैंने सोचा फटाफट सफाई करके बाहर में झाड़ू लगा दूँ, फिर बेटे को भी अंदर एक साथ ही ले जाऊँगी। और यहाँ पर मैं रोज़ सफाई करती हूँ, शूज़ वगैरह सब कुछ उठा के, मेरे बच्चों के टॉयज़ वगैरह, लेकिन फिर भी वो सारा दिन यही खेलता है बेटा, तो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल ही गया होगा, तो बहुत बिल्कुल भी बोलने की भी वो नहीं है हिम्मत। लेकिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट्स भी करते हैं और बोलते भी हैं कि आपको ब्लॉग नहीं आया, तो फिर इस वजह से तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से जो है अब बाहर की सफाई कर रही थी। और रात को मैंने बहुत सारे कपड़े धोए तो उससे मुझे कोल्ड हो गया। रात को ठंड होती है तो सुबह ऐसा होता है कि पानी आता है 10 बजे तक, सुबह मैं नहीं धोती हूँ और 12 बजे फिर पानी आता है 2 बजे तक। तो मैं रात को ही धोना मुझे ठीक लगता है क्योंकि पानी काफ़ी टाइम तक आता है। और फिर मुझे होता है कि रात को बस डूब जाएंगे तो पानी नहीं, और सुबह क्या होता है 10 बजे पानी चले जाता है। और सुबह 5 से 10 बजे तक बहुत सारे काम होते हैं, फिर 12 से 2 बजे तक भी मुझे काम होते हैं, तो इस वजह से मेरे काम नहीं हो पाते हैं कपड़े धोने वाला। ये मैं शाम को ही कर पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर पानी आता है उससे धोती हूँ, अंदर मोटर वाले पानी से नहीं धोती हूँ। टैंक की भी मशीन मैंने बाहर रखी हुई है, यहीं पे मुझे सही रहता है और यहीं पे मैं धो देती हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने रात को कपड़े धोए और उसी वजह से मुझे ठंड लग गई, क्योंकि मौसम बदल गया, सर्दी हो गई है, तो ऐसा है। और यहाँ पर जो है ये साइकिल चलाता है बेटा, इसको मोड़ना नहीं आता है, अभी न्यू न्यू साइकिल सीखा है ये वाला। और पहले वो छोटे वाला वो रेड है वो चलाता था, अब ये बड़े वाला है तो 1-2 दिन हुए तो ये थोड़ा थोड़ा चलाना सीखा है, पर मुड़ता नहीं है। साइकिल थोड़ा भारी है, मतलब वो टर्न नहीं कर पाता है, तो फिर मैं करके उसे देती हूँ। तो वही अभी बोल रहा था, मैं कह रही थी मैं झाड़ू लगा लूँ, लेकिन वो कह रहा था मुझे वो एक बारी फिर इधर को मोड़ दो, मैं सीधा फिर वो चला लेता है ऐसे करते, उसको मोड़ना नहीं आता है, अभी सीख रहा है और साइकिल है भारी उसके। बस तो बस ये अपना साइकिल चला रहा था और मैं अपने काम कर रही थी सारे, और बस ये खेलता रहता है ऐसे, मेरे काम भी हो जाते हैं और सारा जो आप देख सकते हैं झाड़ू इधर लग गया है, साफ हो गया तो अच्छा भी लगता है। पोछा भी मैं लगा ही देती हूँ रात को, मैंने कल शाम को सच मैंने धो दिया था ये सारा, मिट्टी बहुत हो गई थी, रेता वगैरह ना बाहर से आ जाता है, बच्चे पैर वैर लाते हैं तो फिर धोना और साफ करना ही पड़ता है क्योंकि ये खेलता है सारा दिन इस वजह से। तो बस, और ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अब मैं वॉइस ओवर बंद कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, और जो भी नए आते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियोस अच्छी लगती है
तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मैं आपको मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।